ये देखो मैंने 3 सीटी डाला था, लगाया था, तो ये उसके बाद ये उबल गए। ये अब मैं इसको पीस लेती हूँ। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसमें राई और ये डाल दिया है सूखी मिर्च। अब मैं इसमें डालती हूँ बाकी के मसाले। मिर्च है, ये प्याज है, टमाटर है। अब इसमें प्याज डाल देती हूँ, देख सकते हो ये कैसे ये बन रहा है। प्याज हल्का सा फ्राई होगा, गुलाबी जब तक हो जाए उतना देर तक फ्राई करेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ये मैंने 1 चम्मच से भी थोड़ा कम मैंने बेसन डाल दिया है। ये भी मैं इसके साथ फ्राई कर देती हूँ। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला बथुआ का साग है, आप लोग प्लीज इसे ट्राई करना। फिर मैंने 2 टमाटर, देसी टमाटर है जो मैंने काट के रखे थे, वो मैं डाल रही हूँ। इसमें जो मैं बहुत कम सा नमक और 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ, क्योंकि मैंने नमक उबालने में अदरक और नमक डाल के उबाली थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कम डाला है। फिर मैं इसमें पालक जो पीस के रखी हूँ वो डाल देती हूँ। दो मिनट इसको भून देंगे हम अच्छे से हाई फ्लेम पे, उसके बाद ये बनके तैयार हो जाएगी। तो मेरे प्यारे यूट्यूबर फैमिली, आप लोग प्लीज़ ये साग बनाना। अब तो साग का सीजन ख़त्म भी हो रहा है, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कैसा बना और आपके फैमिली मेम्बर ने आपको अप्रिशिएट किए या नहीं। तो मुझे जो कुछ भी हो, जैसा भी हो आप उन्होंने बताया हो, आप लोग हमें कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सो अब मेरा साग ऑलमोस्ट बन भी गया है, आप देख सकते हो। तो ये देखो आप सब, ये मेरा बथुआ का साग बनके तैयार हो गया। आप सब प्लीज प्लीज इसे ट्राई करो, बनाओ अपने घर में, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज।